नमस्ते सभी दर्शक साथियों को, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। मारिय गुरु में स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ब्रह्मचर्य संदेश में। और यहां ये लोग बिल्कुल प्राकृतिक रूप से खेती करते हैं और यहीं पर पहाड़ों पे ही अपना गन्ना लगाते हैं और यहीं ये कोल्लू रखते हैं। तो साथियों, आज आपको इतना बढ़िया गुड़ दिखाएंगे और उसका रेट भी बहुत कम है और खाने में बिल्कुल ही इतना हेल्दी है वो शरीर के लिए। आपको दिखाएंगे कैसे ये गुड़ यहाँ पर निकालते हैं और यहाँ पर इन्होंने कोल्लू भी लगा रखा है, वो भी आपको दिखाएंगे। आइए चलते हैं। तो साथियों, आपको एक बार ये और बता देते हैं कैसे ये बैलों के द्वारा इसको पीटते हैं। जल्दी से भागो, इधर आओ। तो देख सकते हैं काफी बल लगता है इसको खींचने में। देखो हमारी मेहनत, हमारी मेहनत का फल खूब लकड़ गया। तो ये है हमारी मेहनत का फल। जी जी बिल्कुल। देखो भाई, हमारा इतना हंगा लग गया और यो निकला है तो बैलों का कितना जोर लगता होगा। आप इसको मतलब छलनी से छानते नहीं? छानते हैं। देखो भाई, ऋषि अकेला खींच रहा इसको। यहाँ पर गुड़ को तैयार करते हैं। सबसे पहले ये गन्ने के रस को इसमें डालते हैं और यहाँ से आग जलती है और उसके बाद ये सारी प्रक्रिया इनकी शुरू होती है। एक बार ये देख लीजिए, इन्होंने यहाँ पर ये गुड़ तैयार किया है, इसमें डालते हैं। देखो कैसी प्रक्रिया रहती है इनकी। तो एक बार इस भाई से पूछते हैं कि कैसे ये गुड़ तैयार करते हैं, कितना समय लगता है और क्या कुछ भाव इनका गुड़ का रहता है। तो ये गुड़ कैसे तैयार करते हो आप, क्या कुछ आपकी प्रक्रिया रहती है? पहले तो गन्ना लगाते हैं, गन्ने के बाद फिर गन्ना को लाते हैं। हाँ, है ना, छील कर। जी जी। फिर इसके बाद यहाँ चरखी पे लाते हैं, चरखी लाने के बाद फिर इसको पीरते हैं गोदी से। फिर इसके बाद पीरने के बाद ये रस निकला जी, रस को डालें कढ़ैया में, कढ़ैया से फिर इसको पकाते हैं। पकाने के बाद फिर बहुत ज़्यादा पक जाता है तो गुड़ वहाँ बन गया था जी। तो क्या कुछ भाव रहता है आपका? भाव कुछ नहीं, बस 40 रुपए किलो। तो ज्यादा परिश्रम करना पड़ता होगा, पहले गन्ने लेकर आते हो, फिर इसको यहाँ पेड़ को रस डालते हो, फिर गुड़ को तैयार करते हो, मतलब कितने घंटे लग जाते हैं लगभग? लगभग 3-4 घंटे। यहाँ से गन्ने लगाए जाते हैं भ्राता श्री। कहाँ से? यहाँ से गन्ने लगाए जाते हैं, इसमें से रस निकलेगा, यहाँ पीपा रख देते हैं नीचे। अच्छा जी, ठीक ठीक। और इस पीछे की तरफ भूसा निकलता रहता है ये, मतलब। ठीक ठीक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बताने के लिए, जानकारी देने के लिए। और यहाँ बैठ के ऐसे गन्ने लगाते हैं, उनके सर के ऊपर से ये चला जाता तो ऐसे होना पड़ता है बार बार। अच्छा अच्छा जी अंकित जी, काफी बढ़िया जानकारी दी आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। सामने निकला है तो हमने देखा।
क्या जी ये इसका मैल है। अच्छा मैल है, ये उतारना जरूरी होता है। इसको नहीं निकाले को तो बिल्कुल काला पन हो जाएगा। काला हो जाएगा, काला बिल्कुल काला हो जाएगा। ये देखो मतलब टेस्ट में भी फर्क, टेस्ट में फर्क, खरीदने वाले भी नहीं खरीदेंगे जी। देखो भाई अभी इसमें डालेगा ये पात्र में, तो अभी टेस्ट करके देखेंगे। ऊपर लगना शुरू आ भाई। पप्पू भाई किसी प्रकार की कोई मिलावट तो नहीं करते इसमें? नहीं। चलो ठीक है जी, बिल्कुल शुद्ध गुड़ है, काफी प्योर है ये। देखो ये गरम गुड़ है और गरम गुड़ अभी हम खाएंगे। ये भाई जी निकालने लग रहे हैं, बहुत ही मेहनत लगती है इसको बनाने में। बहुत मेहनत लगता है भैया, आज के दिन में ये में पानी पल रहा है। जी जी ना? ये देखो भाई यहाँ ये पानी चला रखा गन्ने में। हाँ, और यही समय में आज के दिन में यही समय में इसको फसल निकलेगी। अच्छा अच्छा, साल भर में हाँ एक बार जी। तो मेहनत इतना है, अब पानी चला रहा है, कम से कम 10 पानी चाहिए। 10 पानी चाहिए इसको। हाँ, और निनाई गोड़ाई खातू जी, फिर यही समय में फसल निकल है। अब ये अगले साल जाके इसी समय में जाके तैयार होगा? अभी तैयार हो रहे हैं समझ जाओ, तो अगले साल जी जी, मतलब एक साल लग जाता है इसको? एक साल पूरा लगता है। प्रतिदिन लगभग कितना किलो गुड़ आप तैयार कर देते हो प्रतिदिन? जो एक मन 40 किलो, 40 किलो जो आपने ये डाल रखा इस कढ़ाई में, इससे लगभग 40 किलो गुड़ तैयार होगा? बाह है और जे है, इसमें 40-50 किलो, 40-50 किलो को लगभग जी होगा बस। ये देखो भाई कम से कम 25 किलो गुड़ था ये, और ये 1 किलो की पेड़ी बना रहे हैं। देखो ये माप लेके बिल्कुल 1 किलो है पूरा इसमें। तो अंकित जी क्या कहना चाहोगे इस गुड़ के बारे में? हमें बहुत अच्छा लगा जी, यहाँ पे बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से, यहाँ पे बिना खाद दवाई का बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से मां नर्मदा का इसमें ईख में पानी आता है, और जिससे ये जूस इसका रस निकाल के और फिर इसका गुड़ बनाते हैं, और हमने गुड़ खा करके देखा, बहुत ही बिल्कुल मोए से भी बढ़ के बहुत ही अच्छा लगा जी। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है, इसमें सारे बहुत ही अच्छे, बिल्कुल 100% सारे विटामिन, पोटेशियम, सोडियम आदि बहुत ही अच्छे इसमें खनिज लवण है, तो हमें बहुत अच्छा लगा जी ये तो। और ये माता बना रही हैं 1 किलो के साइज के हिसाब से, अनुभव के हिसाब से इन्होंने बहुत अच्छा कार्य करते हैं, और परंपरागत तरीके से लगभग 40 वर्षों से ये यही कार्य कर रहे हैं। अरे ये देखो भाई ये गुड़, ये परसों का गुड़ है, ये पूरी एक पेड़ी तैयार कर दी, मतलब क्या किलो की अंकित? ये लगभग तकरीबन 25 किलो की है, मतलब इसको फोड़ के खाना पड़ेगा अभी सर जी। आप ऐसे बनवाना चाहिए ऐसे बनवा सकते हैं, ऐसे बनवाना चाहिए ऐसे बनवा सकते हैं। ये उसके बाद का बनाया हुआ गुड़ है, दोबारा बना, मतलब टाइट हो चुका है बहुत ज्यादा गुड़। और ये कैसा है? इसका सीरा, ये मतलब इसके नीचे से टपकता रहता है, खुद्दा भी बोलते हैं इसको, खुद्दा बोलते हैं। इसके ऊपर एक कढ़ाई रखी जाती है, इधर से धुम्मे का धुआं निकलने का वो तंबूहा बना रखा है, और दिखा देते हैं आपको यहाँ से निकलता धुआं। तो यदि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगे तो साथियों आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद सभी साथियों को। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। फलक
तू गरज तू।